स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किचन 786 में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बचे हुए चावलों की रेसिपी, और बहुत बढ़िया रेसिपी है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये हमने बचे हुए चावल सुखा लिए थे, ऐसा कोई सा घर नहीं है जिसमें थोड़े बहुत चावल बचते नहीं हैं। बचते हैं तो उनके लिए फेंके नहीं, सुखाने के बाद में आप ऐसा मेरे तरह ये मैं इसके मुरमुरे बनाने जा रही हूँ। आप एक बार मेरी तरह ट्राई करके देखना। कढ़ाई में कर लिया हमने, कढ़ाई का तेल इतना गर्म कर लिए कि धुआं देने लगे। उसके बाद में आप इसमें चावल ऐड करें। तलते हैं हम दूसरी बार। देखिए हमने एक कटोरी चावल में, सूखे चावलों में हमने प्लेट भर के मुरमुरे बनाए हैं। इन मुरमुरों से देखिए हमारी प्लेट भर गई है, और खस्ता भी है, ये देखिए क्रिस्पी भी है। चाय के साथ में सर्व करें, बहुत बेहतरीन लगते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चावल पके हुए वेस्ट ना करें, चावल से बनाएं मुरमुरा। ये देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।